आप लोग स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे और मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोग इन्हें जानते भी होंगे। ये हैं शिवपाल सिंह यादव। अगर आप लोग फिर भी नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई भी हैं। और फिर भी नहीं जानते हैं तो अभी वर्तमान में राजनीति में आप देखते हैं अखिलेश यादव के बारे में आप लोग सुनते होंगे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। इनके चाचा हैं और ऐसा माना जाता है कि देखिए कि मुलायम सिंह की राजनीतिक सफलता में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो है शिवपाल सिंह यादव का। और इसमें मुझे लगता है कि दो राय नहीं होनी चाहिए। जब तक शिवपाल सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के हाथ में सापा की बागडोर थी, तब तक आप देखेंगे 4 से 5 राज्यों में चुनाव लड़ा करती थी। समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। अगर आप कहें कि शिवपाल सिंह यादव के बुरे दिन शुरू हुए तो आप देखेंगे अखिलेश यादव की राजनीति में एंट्री के साथ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई है तो वो है शिवपाल सिंह यादव। लेकिन आप देखेंगे, आप सभी जानते हैं कि पिता के बाद पुत्र ही आता है। इसके कई उदाहरण भी हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो माना जाता था कि इनका उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी मुलायम सिंह यादव होंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इनके उत्तराधिकारी, चौधरी चरण सिंह के उत्तराधिकारी होते हैं अजीत सिंह। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि बाल ठाकरे का उत्तराधिकार एक तरह से माना जाता था कि राज ठाकरे होंगे, लेकिन आपने देखा है कि उनके पुत्र, किनके, बाल ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे ही उनकी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकार बनते हैं। और इस तरह की हमारे देश की राजनीति में कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। वही हाल है कि पिता के बाद पुत्र ही आता है। पिता राजा है तो उसके बाद आप देखेंगे पुत्र ही राजा बनेगा। तो चलिए इनके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं, एक सामान्य जानकारी दे देता हूं, क्योंकि आपके राज्य से भी संबंध रखते हैं। और इन्होंने, आपने देखा है कि एक नई पार्टी का भी बनाई हुई है, तो उस पर भी बात कर लेंगे कुछ। और आप सामने देख रहे हैं कि 2022 का विधानसभा चुनाव भी है, तो इनकी चर्चा आजकल देख रहे हैं आप लोग की काफी गर्म बाजार है इनकी तरफ से। डेली आप लोग न्यूज़पेपर पढ़िए या सोशल मीडिया पर कहीं भी देखिए, इनकी खबर जरूर जरूर आपको दिखाई देगी। एक बार आप लोग उत्तर प्रदेश को देख लीजिएगा। देखिए, यह आपका उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए लखनऊ है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग राज्य बनने की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य बनाया गया था। और इसीलिए आप देखते होंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है, और बहुत पुरानी कहावत भी है, कि जो दिल्ली की गद्दी है इसका रास्ता आपको उत्तर प्रदेश से होकर जाता है या उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिए लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें आपको 31 देखने को मिलेगी, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 देखने को मिलेगी। और यहाँ विधान परिषद भी है तो विधान परिषद में 100 सीटें देखने को मिलेगी। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर जिसने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, एक तरह से आप कहिए कि प्रधानमंत्री बनने का या केंद्र में सत्ता पाने की उसकी आधी सफलता पा लेता है वो। और इसीलिए आप देखते हैं कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें से अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से ही निकल के आए हुए हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी साहब को बनारस से चुनकर आते हैं, 2014 में भी वहीं से चुनकर आए थे और 2019 में भी वो बनारस से ही चुन के आए हुए हैं। तो इससे आपको उत्तर प्रदेश का महत्व, तो आपको लोगों को मालूम चल जाएगा। और इससे लगे, अगर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उसके वह ऊपर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यहाँ आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है, ये भी याद रखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग सामने दिखाई भी दे रहे होंगे शिवपाल सिंह यादव। और आपको मालूम होगा
आप लोगों ने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो इन्हें मुलायम सिंह यादव का कटप्पा भी कहते हैं, वफादारी के कारण। तो इनका पूरा नाम आप देखेंगे तो शिवपाल सिंह यादव है, और इनकी जन्म तिथि यानी कि इनके जन्म की तारीख की बात करें तो 6 अप्रैल 1955 को इनका जन्म होता है, यानी कि आप देखेंगे आज़ादी के बाद जो भारत है उसमें इनका जन्म होता है। और जन्म स्थान की बात करें तो सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, सैफई इनका एक तरह से जन्म स्थान है। और इनके पिता की बात करें तो सुघर सिंह इनके पिता और माता मूर्ति देवी के घर में ये जन्म लेते हैं। और पत्नी की यानी कि जीवन साथी की बात करें तो सरला यादव इनकी पत्नी है। इनके दो बच्चे हैं, एक तो बेटी है जिनका नाम है डॉक्टर है अनुभा यादव, और इनके दूसरे एक बेटा है जिसका नाम है आदित्य यादव। और आपने देखा होगा कि ये भी राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, इनका बेटा भी। अब बात करें तो मुलायम सिंह यादव के इनके बड़े भाई हैं और अखिलेश यादव इनके भतीजे हैं। और इनकी शिक्षा की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि काफी पढ़े लिखे हैं। जैन इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी से ये शुरुआती शिक्षा लेते हैं, और के डिग्री कॉलेज इटावा से एक कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय से BPED उत्तीर्ण करते हैं, यानी कि टीचर की एक डिग्री होती है। और अगर हम लोग पेशा की बात करें तो आप सभी जानते हैं राजनेता हैं, और पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे। उसके बाद आप देखेंगे, और उससे पहले अगर आप लोग जाए समाजवादी पार्टी से पहले, तो आप सभी को मालूम होगा कि मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह यादव ये RLD से भी जुड़े हुए थे, जो अभी आप देखते हैं जयंत चौधरी चला रहे हैं पार्टी, उससे जुड़े हुए थे। फिर आप देखेंगे आगे चल के ये अलग होते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं, समाजवादी पार्टी। और उसके बाद आप देखेंगे 2017 में इनके और अखिलेश के बीच एक तरह से विरोध होता है, जो भी होता है लड़ाई झगड़ा होता है, और जो राजनीति में आप देखते भी हैं। उसके बाद ये 2018 में एक नई पार्टी बनाते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन करते हैं, और अभी इसी के ये अध्यक्ष भी हैं। इनके अगर हम लोग पसंदीदा नेता की बात करें तो राम मनोहर लोहिया इनके राजनीतिक एक तरह से पसंदीदा नेता भी हैं। और आप सभी सुनते भी होंगे कि कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राम मनोहर लोहिया की विचारधारा आपसे मिलती जुलती है, या उन्हीं की विचारधारा पर ये पार्टी का गठन किया गया है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं, कांग्रेस को भी तो कहते हैं कि ये गांधीवादी या गांधी की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एक कहने के लिए बचा हुआ है। BSP यानी कि मायावती की पार्टी को कांशीराम की विचारधारा से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी विचारधारा में और अभी की इनकी पार्टी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। तो ये केवल वोट बैंक बटोरने के लिए, एक तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, इस तरह के जो भी महापुरुष हैं, जो भी हमारे देखिए राजनीति में एक तरह से आंदोलन में भाग लेने वाले नेता रहे हैं, उनके नाम का उपयोग किया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी विचारधारा की बात करती है BJP, लेकिन आप देखेंगे उसका इनकी विचारधारा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है, बस वोट बैंक के लिए इस तरह के नामों का उपयोग करते रहते हैं। ठीक है, ये अपनी विचारधारा से इनकी विचारधारा से बहुत दूर हट चुके हैं। खैर छोड़िए, इन पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब बात आती है राजनीतिक सफर की, शिवपाल सिंह यादव की राजनीतिक सफर की। तो शिवपाल सिंह क्षेत्र में लोगों के बीच क्षेत्र में घूमकर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेते, और भाई मुलायम का प्रचार भी करते थे, मुलायम सिंह यादव का प्रचार प्रसार भी करते थे। एक आपने देखी होगी कि मुलायम सिंह यादव पर एक मूवी भी बनी हुई है, उसे आप लोग देखेंगे तो मुझे लगता है और भी बेहतर आप लोग मुलायम सिंह यादव के बारे में या शिवपाल के बारे में जान पाएंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और ऐसा माना भी जाता है कि जब तक मुलायम सिंह यादव के हाथ में सापा की बागडोर थी, तब तक मुख्य कर्ता धर्ता शिवपाल सिंह यादव ही हुआ करते थे। अधिकतर फैसले आप देखेंगे शिवपाल यादव ही लिया करते थे, और इसीलिए आप देखते हैं कि शिवपाल सिंह यादव की तरफ मुलायम सिंह यादव का झुकाव रहा है अंत तक,
लेकिन कहते हैं ना कि बेटी की मोह माया सब कुछ ले डूबती है, तो उनके मामले में भी वही हुआ। चुनाव में पर्चे बांटने से लेकर बूथ समन्वय तक की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और मधु लेमे, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानेश्वर मिश्र जैसे बड़े नेताओं की सभाएं करवाने की जिम्मेदारी भी इन्हें मिलती थी। अक्सर मुलायम सिंह यादव भाई सिब्बाल को ही सौंप देते थे इस तरह के जो भी बैठकें होती थी और जो भी फैसले होते थे आप कह सकते हैं। फिर आप देखेंगे सिब्बाल यादव की एंट्री होती राजनीति में 1988 में, 1988 से लेकर 1991 और फिर 1993 में वो जिला सहकारी बैंक इटावा के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद आप देखिए कि 1995 से लेकर 1996 तक वे जिला इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष बनते हैं। आपके क्षेत्र में भी आप देखते होंगे कि आपके यहाँ जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, उनके द्वारा एक जिला अध्यक्ष भी चुना जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ। और इसी बीच आप देखेंगे 1994 से लेकर 1998 की बीच सिब्बाल यादव उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के भी अध्यक्ष बनते हैं। 1996 में आप देखेंगे मुलायम सिंह यादव ने जसवंत नगर विधानसभा से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया और आप देखेंगे ये पहली बार 1996 में विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं। और आप सभी को मालूम भी होगा कि विधानसभा का जो चुनाव होता है विधायक होते हैं, इनका चुनाव डायरेक्ट जनता करती है। अगर आप भी 18 साल के हो चुके हैं तो आपके पास भी एक वोटर आईडी बन चुकी होगी और आप भी विधानसभा का जब भी चुनाव होता है तो विधायक के लिए चुनाव करते होंगे, वोट डालने जाते होंगे। फिर आप देखेंगे 1996 से लगातार इस सीट पर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अभी भी आप देखते हैं 2017 में भी वो जसवंत नगर सीट से सापा के समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। और अभी वर्तमान में बात करें तो जसवंत नगर से विधायक भी है। अब 2022 में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता भी के तौर पर भी माने जाते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं में सिब्बाल अपने अच्छे बर्ताव के लिए काफी मशहूर हैं और आपको बता दूं ये संघर्षशील रहे हैं। आप देखिए आज के वर्तमान में आप देखिए कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास, फिर भी आप देखिए संघर्ष नहीं करना चाहता। आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने जेपी आंदोलन सुना होगा, 1975 से 77 के बीच इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ये मैं इंदिरा गांधी के समय की बात कर रहा हूं। उस समय आप देखेंगे कि एक जेपी आंदोलन होता है और उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार होती है। और आपको बता दूं कि उसमें इंदिरा गांधी भी अपनी सीट नहीं बचा पाती हैं, इंदिरा गांधी भी अपना चुनाव हार जाती हैं। और उस समय भी आप देखेंगे इतने अत्याचार किए गए, लोगों को जेल में डाला गया, लेकिन फिर भी आपने देखा है जेपी आंदोलन रुका नहीं। तो आज भी आप देखेंगे कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं और जेपी आंदोलन जैसा कोई मूवमेंट हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, लेकिन आपने देखा है कि सीबीआई, ईडी इस तरह के जब भी नोटिस मिलते हैं विपक्ष को तो विपक्ष शांत बैठ जाती है। विपक्ष एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेहनत नहीं करना चाहती है। और इसी का कारण है कि देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही समट के रह गए। उत्तर प्रदेश भी जीतने के लिए आप देख रहे हैं कि उन्हें कभी मायावती का सहारा लेना पड़ रहा है और कभी आप देख रहे हैं कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। और फिर भी आप देख रहे हैं कि फिर भी उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में नहीं ले पा रहे हैं, अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है बेहतर आप जानते हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार में वो कई अहम मंत्रालय के मंत्री भी रह चुके हैं। सिब्बाल सिंह यादव की बात कराऊं वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विपक्ष भी रह चुके हैं, मायावती के समय की बात कर रहा हूं। सिब्बाल लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, किसके, सापा के, समाजवादी पार्टी के। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि पार्टी पर अखिलेश यादव की पकड़ मजबूत होने के साथ ही इनके एक तरह से बुरे दिन शुरू हो जाते हैं और सिब्बाल यादव को किनारे कर दिया जाता है। और 2017 के विधानसभा चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा से जीते भली, लेकिन आपने देखा है कि बीजेपी की सत्ता आती है और एक तरह से समाजवादी पार्टी की बुरी तरह से हार होती है। तो अभी आप देखेंगे इनके पास कोई इस तरह का पद नहीं है क्योंकि इनकी सत्ता ही नहीं बन पाई। और जिस नई पार्टी की मैं बात कर रहा था
जिसका नाम है प्रगति समाजवादी पार्टी लोहिया। तो इसे 28 सितंबर 2018 को उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की थी और जिसका नाम प्रगति समाजवादी पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। और 24 अक्टूबर 2018 को उन्हें दिया गया भारत चुनाव आयोग आधिकारिक तौर पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का नाम की पार्टी के लिए अनुमोदन भी किया हुआ है। क्योंकि आप देखते हैं जब आपको इस तरह की कोई पार्टी बनानी होती है, राजनीतिक पार्टी, तो आपको चुनाव आयोग से मान्यता भी लेनी होती है। तो इनकी अभी वर्तमान जो पार्टी है इसका नाम है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया। तो अभी तक का आप देखेंगे शिवपाल सिंह यादव का राजनीतिक सफर यही है, आगे किस तरह का रहता है, सफल हो पाते हैं या क्या हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा। उत्तर प्रदेश में एक दो नाम और आ रहे हैं, एक आपने देखा होगा डॉक्टर संजय निषाद और दूसरा है आपका ओपी राजभर। ये आप देखेंगे अपनी अपनी जातियों के नेता हैं, लेकिन आप देखेंगे इनकी जातियों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है और इनके अपने छोटे छोटे दल भी हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं बीजेपी की बात कर लीजिए या सपा की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, मायावती की बात कर लीजिए, इनसे गठबंधन के लिए आप देखिए उतारू रहते हैं और इन्हें अपने अपने साथ लेने के लिए बेचैन रहते हैं क्योंकि इनके पास वोट बैंक है एक तरह से। तो आने वाले समय में हम लोग उन पर भी बात कर लेंगे, उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी दे देंगे, ठीक है।